जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन वट यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो वट का वृक्ष होता है यानी बरगद का जो पेड़ होता है उस पर ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान जी का निवास होता है। इन तीनों देवताओं का निवास होने की वजह से इस वृक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसकी पूजा करने से सभी सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर किसी के संतान नहीं हो रही है तो वो स्त्री अगर वट वृक्ष की पूजा कर ले और उसके फेरे कर ले तो उसकी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वह भी पूरी हो जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि वट सावित्री का व्रत कब और किस दिन किया जाएगा, साथ ही इसकी तिथि की शुरुआत और उसका समापन कब होगा, किस तरह से आपको करनी है वट सावित्री के व्रत की पूजा, उसकी विधि क्या है और कौन से होते हैं कुछ खास नियम वट सावित्री व्रत करने के। ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक बेल आइकन को टच नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएंगे। दोस्तों इस वर्ष यानी साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और उसका समापन कब होगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून को शाम 7:54 पर होगा और इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10:36 से दोपहर 2:04 तक होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको पूजा किस तरह करनी है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और उसके बाद आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में आप दीपक जरूर जलाएं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के आगे। और इसके बाद आपको इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास या घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर वट लगा हो तो उसकी पूजा आपको करनी है और पूजा के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस व्रत में बांस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही खास होता है। बांस की किसी भी चीज़ के बने हुए का आप इस्तेमाल करें, अब चाहे वो पंखा हो जो पंखा झलने वाला होता है या फिर बांस की टोकरी हो, जो भी व्रत का सामान होगा सामग्री होगी वो बांस की टोकरी में रखें और एक पंखा ले लें। ये सारी चीज़ें आपको घर के पास कोई मंदिर होगा वहाँ पर जो पंडितानी बैठी होती हैं ब्राह्मणी होती हैं उनको आपको दान करना है। घर के मंदिर में आपको दीपक जरूर जलाना है। इसके बाद घर के आसपास अगर कोई मंदिर है और वहाँ पर कोई आपका वट वृक्ष लगा हुआ है या आपके घर के आसपास भी कोई वट वृक्ष लगा है तो वहाँ भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन व्रत की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है तो वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपको सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुननी है और आप चाहें तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उससे वीडियो को देख करके भी कथा सुन सकते हैं। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। दोस्तों इस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार करने जरूरी होते हैं क्योंकि ये सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत है और इस दिन आपको बहुत अच्छे से सज कर इस पूजा को करना होता है। साथ ही क्योंकि अमावस का दिन है तो आप अपने घर में खीर जरूर बनाएं, कुछ जगहों पर पुए या गुलगुले भी बनाए जाते हैं। अपने अपने घर और जगह की परंपरा के अनुसार आप अपने घर में भोग की तैयारी करें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कुछ खास नियम वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नियम है वो ये है कि इस दिन आपको काला नीला इस रंग की साड़ी या फिर भूरे रंग की साड़ी नहीं पहननी है, डार्क कलर की साड़ी ना पहने, हो सके तो पीला लाल ऑरेंज इस तरह की साड़ी इस कलर की साड़ी पहने, इसी कलर की चूड़ियाँ भी पहने। चूड़ी भी आप ध्यान रखें कि ज़्यादा डार्क कलर की ना पहने क्योंकि लाल रंग को हम सुहाग का प्रतीक मानते हैं, इसलिए हो सके तो लाल रंग की चूड़ी लाल रंग की साड़ी या सूट जो भी आप पहनना चाहें पहन सकते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप अपने सुहाग का जोड़ा भी इस दिन पहन सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। सफ़ेद रंग की साड़ी सफ़ेद रंग का सूट या सफ़ेद चूड़ी भी बिल्कुल भी ना पहने, इसको शुभ नहीं माना जाता है सुहाग से जोड़ के देखे तो। दोस्तों वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई कुछ खास पूजन सामग्री होती है जो मैं आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले है सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर उनका पोस्टर या फिर फोटो, बांस का पंखा या फिर बांस की डला भी आप ले सकते हैं, डलिया जिसको बोलते हैं, लाल कलावा या फिर पीला कलावा, लेकिन कच्चा सूत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। धूप, दीप, घी, फल जो कि मैंने आपको बताया, सीजनल फ्रूट होना चाहिए कोई भी, और फूल ले लें, रोली, सुहाग का सामान। सुहाग का सामान में आपको जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है वो लेनी है, और घर में आपके जो भी जिस तरह से आपकी परंपरा के अनुसार आपके यहाँ भोग बनता है तो वो ज़रूर बना लें, क्योंकि वो भी आपको अपनी पूजा की थाली में रखना होगा। बरगद का फल या बरगद का पत्ता, जल से भरा हुआ कलश। इसके अलावा 7 काले चने रात में आप भिगो के रखें, ये भी आपको पूजा की थाली में रखने हैं। तो ये थी पूजन सामग्री वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई। तो दोस्तों ये थी वो खास जानकारियाँ वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें। व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय माता दी।